नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने में कितना खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ही आसान, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे सीधे बना लें और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बनाएंगे। इस तरह हमारा डिज़ाइन का बेस तैयार हो जाएगा। तीसरी लाइन में हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो डिज़ाइन का पहला लाइन 4 फंदा सीधा बनाएंगे। तीन, चार और 2 फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा सॉरी 6 फंदा सीधा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा बनाएंगे। शुरुआत में हमने 4 फंदा सीधा बनाया था, फिर 2 फंदा स्लिप किया था, लास्ट में भी हम 4 फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। जब हम 8 के मल्टीपल फंदे लेते हैं और 2 फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाता है। देखिए, शुरुआत में भी 4 फंदा सीधा आया है और लास्ट में भी 4 फंदा सीधा आया है। रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा और बीच के सभी फंदे सीधे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इस तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का थर्ड लाइन अब पहले रंग के ऊन से 3 फंदा सीधा बना लेंगे। 1, 2, 3। फिर चौथा फंदा छोड़ के पहले 5वां वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर चौथा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर छठा फंदा छोड़ के 7वें फंदे को बैक से सीधा बुन लेंगे और फिर छठे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर 4 फंदा सीधा, फिर स्लिप किया हुआ जो फंदा है इसको, इन दोनों फंदों को एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे करना है। तो पहले स्लिप किया हुआ फंदा हम बुन लेंगे, उसके बाद इसके पहले वाला फंदा बुनेंगे और फिर स्लिप किया हुआ फंदे के बाद वाला फंदा बुनेंगे, फिर स्लिप किया हुआ फंदा, फिर 4 फंदा सीधा, फिर स्लिप किया हुआ फंदा पहले बुनेंगे और इसके पहले वाला फंदा बाद में, फिर स्लिप किए हुए दूसरे फंदे को छोड़ देंगे, पहले इसके बाद वाला फंदा बुनेंगे और फिर स्लिप किया हुआ फंदा।
हमको इन दो फंदों को एक एक फंदे के आगे और पीछे करना है। फिर चार फंदा सीधा, फिर इन दोनों फंदों को एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे करना है। चार फंदा सीधा, फिर स्लिप किए हुए दोनों फंदों को एक फंदे के आगे और दूसरे फंदे को एक फंदे के पीछे। चार फंदा सीधा, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हम पहले बुन लेंगे और इसके पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। फिर इस फंदे को छोड़कर राउंड बैक साइड से हम दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदे को सीधा, लास्ट में तीन फंदा सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और दूसरे रंग के ऊन से एक फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर छह फंदा सीधा बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर छः फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर छः फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह छः फंदा सीधा बुनते हुए और दो फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में छः फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे और अंतिम फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा दो फंदा स्लिप कर लेंगे और उसके बाद बुना हुआ छः फंदा सीधा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और पहले रंग के ऊन से पहला फंदा सीधा, फिर स्लिप किए हुए फंदे को छोड़ दिया जाएगा, अगला फंदा सीधा, उसके बाद स्लिप किए हुए फंदे को उठाया जाएगा और उसे सीधा बुन लिया जाएगा। फिर चार फंदा सीधा, फिर अगले फंदे को छोड़ के स्लिप किया हुआ फंदा पहले बुना जाएगा और फिर दूसरा फंदा, फिर इस फंदे को छोड़ के दूसरे वाले फंदे को पीछे से सीधा बुन लिया जाएगा, फिर पहले वाला फंदा, फिर चार फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर स्लिप किए हुए फंदे को पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में, फिर दूसरे स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के बाद बुनेंगे। फिर चार फंदा सीधा, अगले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को, फिर दूसरा उतारा गया फंदा इसको गिरा देंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसको उठाएंगे और फिर इसे भी सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
और आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। फिर यहाँ से पहला लाइन शुरू होगा, दूसरे रंग के ऊन से चार फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करना है, फिर छह फंदा सीधा। फ्रेंड्स, ये जो फूल बना है चार फंदे पे है, तो चार फंदा ये और एक फंदा इसके, एक एक फंदा दोनों साइड से। इन छह फंदे को हमें सीधा बुनना है। और देखिए यहाँ पे चार, हमने छह फंदा सीधा बुना था, एक फंदा इसके अंदर आ गया। तो इसका तीसरा और चौथा फंदा, जो छह फंदा हमने सीधा बुना था यहाँ पे, तो उसका तीसरा या चौथा फंदा हमें स्लिप करना है। और ये चार फंदे का डिज़ाइन है, तो चार फंदा ये और एक एक फंदा दोनों साइड से इसे हमें सीधा बुनना है। छह फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदा स्लिप करना है। ये देखिए ये चार फंदे का फूल है, तो चार फंदा ये और एक एक फंदा दोनों साइड से छह फंदा हमें सीधा बुनना है। और छह फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदा स्लिप करना है, और फिर फूल और इसके दोनों साइड का एक एक फंदा, छह फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में चार फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा और आखिरी फंदा उल्टा, और शेष फंदे सीधे बुने जाएंगे। बुने हुए सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप किया जाएगा, बुना हुआ फंदा सीधा बुना जाएगा। ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और अब पहले रंग के ऊन से तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप किए हुए फंदे को पहले बुनेंगे और इसके पहले वाले फंदे को बाद में, यानी स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के आगे और दूसरे फंदे को एक फंदे के बाद करेंगे। फिर चार फंदा सीधा, फिर स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के आगे बुन लेंगे और दूसरे वाले स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के बाद। इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा, स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के पहले बुनेंगे और दूसरे वाले स्लिप किए हुए फंदे को एक फंदे के बाद। फिर पीछे से सिलाई डालेंगे और दूसरे फंदे को पहले बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को बाद में बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।